भाई साहब, ठंड बहुत बढ़ गई है। सो टाइम से ही अपने अपनी रजाइयों में घुस जाया करो। खैर, मैं तो पागल हूँ जो रात को 11:30 बजे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आ गया हूँ, जिसे आप लोग देखते भी नहीं हो। हाँ, सिवाय मेरे वो एक दिप्यान भाई को छोड़ के, दिप्यान चक्रवर्ती, लव यू यार। भाई बंदा इतनी सपोर्ट करता है ना, मैं क्या बताऊँ। हर वीडियो के नीचे इसका कमेंट मुझे मिल ही जाता है। आप लोग भी सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अगली वीडियो में आपको भी शाउट आउट दे देंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं यार और आते हैं मुद्दे की बात पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के एक अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन के बारे में, वीवो Y28 5G, जो कि वीवो ने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग क्या है आपको बताऊंगा आज की इसी वीडियो में। एंड ये वीवो की वाई सीरीज़ का अब तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है। वैसे इससे सस्ता वीवो का T2X भी आता है, बट टी सीरीज़ का क्या है ना, वो बेसिकली ऑनलाइन मार्केट के लिए है, ऑफलाइन में उसके उतना हमें स्टॉक देखने को नहीं मिलता। एंड वीवो की जो मेन मार्केट है वो है ही ऑफलाइन, बिकॉज ऑफलाइन में ही इन्हें मुर्गे मिलते हैं फंसाने के लिए। बट इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर दूंगा कि क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या प्राइसिंग होने वाली है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो शुरू करते हैं यार वीडियो को, और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट कर लेते हैं डिज़ाइन के साथ। सो डिज़ाइन से यार मेरी कोई ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है, देखने में फ़ोन अच्छा लगता है। एंड ये जो डिज़ाइन है आपको कुछ कुछ देखने को मिलता है वीवो V29e के जैसा, बिकॉज यार उसमें भी आपको ड्यूल कैमरा वैसा ही देखने को मिलता है जैसा इसमें दिया गया है। उसी के साथ उसमें भी आपको ड्यूल टेक्सचर बैक मिलती है, इसमें आपको ड्यूल टेक्सचर बैक देखने को मिल जाएगी। एक साइड पर आपको ग्लॉसी लुक मिलने वाली है, एंड दूसरी साइड पर यहाँ पर आपको इसमें मैट लुक देखने को मिलने वाली है। सो ड्यूल टेक्सचर आपको बैक साइड में देखने को मिलने वाला है। दो कलर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, एक का नाम है क्रिस्टल पर्पल, जो कि डार्क पर्पल से आपको देखने को मिलता है, एंड दूसरे कलर का नाम है ग्लिटर एक्वा, जो कि आपको वाइट स्टोन में देखने को मिल जाएगा। सो डिजाइन को लेकर कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है, उसके अलावा टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक भी इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। NFC IR ब्लास्टर आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलने वाले। फ्रंट साइड पर यहाँ पर इसमें आपको वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिल जाएगी। प्लास्टिक की बैक रहने वाली है, प्लास्टिक का ही फ्रेम होगा। फ्रंट साइड पर कौन सा ग्लास है ये वीवो ने रिवील नहीं किया है, बट आई गेस स्कॉट एक्सटेंशन ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर गोरिल्ला ग्लास 3 भी यूज़ करते ना तो वो भी वीवो जरूर से बता देता, बट इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया है। खैर, आगे आ जाते हैं इसके डिस्प्ले पार्ट के ऊपर। सो गाइस, यहाँ पर आपको मिलने वाली है एक 6.56 इंच की HD+ डिस्प्ले। जी हाँ, फुल HD नहीं, HD+ डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलने वाली है, जिसकी पीक ब्राइटनेस यहाँ पर होने वाली है 840 निट्स की। सो ब्राइटनेस आपको डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अच्छा काम किया है वीवो ने, कि ब्राइटनेस आपको काफ़ी हाई देखने को मिलती है। वैसे भी यार सर्दियों का टाइम है, धूप में बैठ के अगर फ़ोन यूज़ करना हो तो हाँ ठीक है, विजिबिलिटी अच्छी मिल जाएगी, बट ये चीज़ भी माइंड में रखना कि इसमें आप 720p वाला ही कंटेंट इन्जॉय कर पाओगे, बिकॉज यहाँ में आपको फुल HD के रेजोल्यूशंस देखने को नहीं मिलेंगे। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की। सो इसमें आपको 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है, विच इज़ अगेन गुड थिंग। बट यार यहाँ पर अगर फुल HD दे देते तो क्या ही चला जाता यार इनका। HD डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैं इसे कंसिडर नहीं करता। आगे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। सो बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको मिलने वाला है 50MP का मेन रियर कैमरा, एंड 2MP का यहां पर आपको बुके कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। सो 8MP का यहां पर आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, एंड वीवो के कैमराज आपको डिसेंट देखने को मिलते हैं, ज़्यादा दिक्कत परेशानी वहां पर आपको नहीं होने वाली है। और अगर हम इसके कॉम्पिटिशन को भी देखें तो कौन कौन है वहां पर, ओप्पो, रियलमी, रेडमी। सो रेडमी से तो आपको इसका कैमरा डेफिनेटली अच्छा देखने को मिल ही जाएगा, कि बहुत अगर यार मैं कैमरा के मामले में रैंकिंग करूँ ना, या डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में रैंकिंग करूँ, सो सबसे लो मुझे रेडमी की ही लगती है, जितने भी फ़ोन मैंने एक्सपीरियंस किए हैं इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप रियलमी, ओप्पो, वीवो इन्हें ला सकते हो। सो कैमरा से आपको आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर होने वाली है, ठीक ठाक डिसेंट सा कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की। सो यहाँ पर आपको मिलने वाली है एक 5000mAh की बड़ी बैटरी, बट साथ में 15W का चार्जर। क्या सोच के 15W का चार्ज यहाँ पे डाला है यार, मतलब 18 भी नहीं 15। इनका यार अच्छा खासा मॉडल आता था वीवो Y27, 4G था, बट उसमें चार्जिंग स्पीड 44W की देखने को मिलती थी। अब इसमें 5G दिया है तो यार चार्जर उन्होंने छोटा कर दिया, मतलब करना क्या चाहते हैं ये। अब 5000mAh की बैटरी और 15W का चार्जर, मतलब ना करते भी 2.5 से 3 घंटे आपके
इसकी चार्जिंग में ही जाने वाले हैं। सो ये सोच के फ़ोन परचेज करना। सो चार्जिंग को लेकर मैं यहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ एंड इसका काफ़ी एक बड़ा ड्रॉबैक होने वाला क्या है ही है। खैर आगे आ जाते हैं, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सो गाइस इसमें आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमंड सिटी 6020 वाला प्रोसेसर। जी हाँ गाइस 6020 वाला प्रोसेसर जो कि 7nm की फैब्रिकेशन के ऊपर बेस्ड है एंड 2.2GHz की पीक क्लॉक स्पीड के साथ ये प्रोसेसर आता है। ड्यूअल 5G सपोर्टेड है, आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा, इनके दोनों सिम आप इसमें 5G यूज कर सकते हो। बट जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर आपको एवरेज देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में हमें ओप्पो भी ऑफर कर रहा है। अगर मैं बात करूँ बाकी डिवाइस की तो रेडमी में इससे कम में आपको डायमंड सिटी 6100 प्लस भी देखने को मिल जाता है, जो कि लिटिल बिट से आपको बेटर देखने को मिलता है, जो कि 6nm की फैब्रिकेशन के ऊपर है। सो परफॉर्मेंस के लिए आप यहां पर रेडमी या रियलमी की तरफ जा सकते हो एज कंपेयर टू ओप्पो या वीवो, बिकॉज प्रोसेसर आपको वहां पर बेटर देखने को मिलता है। डिस्प्ले एंड कैमरा आपको ओप्पो वीवो इनमें बेटर देखने को मिल जाती है। सो दोनों की अपनी अपनी पावर है। आगे आ जाते हैं एंड जरा बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। सो इसमें वीवो ने लॉन्च किए हैं अपने तीन तीन वेरिएंट, जो कि होने वाले हैं 4GB RAM, 128GB इंटरनल मेमोरी, 6GB RAM, 128GB इंटरनल मेमोरी एंड 8GB RAM और 128GB इंटरनल मेमोरी। और इसमें आपको रैम एक्सपेंशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, 4+4, 6+6 एंड 8+8 आप इसमें रैम एक्सपेंड कर सकते हो। थक गया मैं। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं गाइस। इसकी प्राइसिंग भी सामने आ चुकी है, 14,000 की रेंज में आपको देखने को मिलने वाला है 4GB और 128GB। 15,500 रेट रखा गया है इसके 6GB और 128GB वाले वेरिएंट का एंड 17,000 में आपको मिलेगा 8GB और 128GB वाला वेरिएंट। एंड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ सो इनका जो भाई है ओप्पो, उससे तो इन्होंने एटलीस्ट इसकी अच्छी प्राइस रखी है। वैसे अगर मैं देखूँ तो नहीं, ये स्टैंड नहीं कर पाएगा, बट इसके अपने T2X के सामने ही स्टैंड नहीं कर पाएगा, और तो हम किसकी क्या ही कंपैरिजन करें। बट अगर इनका जो मेन कंपटीशन है ओप्पो, बिकॉज जो ऑफलाइन मार्केट में इन्हीं दो कंपनीज में काफ़ी बढ़त रहती है, सो वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आई गेस यहाँ पे वीवो नंबर ले गया। कैसे? यहाँ पर ओप्पो में आपको 4GB 128GB देखने को मिलता है 15,000 का, बट यहाँ पर आपको मिलने वाला है 14,000 में। ओप्पो A59 में यहाँ पर आपको बैक कैमरा 13MP का मिलता है, बट यहाँ पर आपको 50MP का देखने को मिलेगा। बट डिफरेंस कहाँ पर आएगा? चार्जिंग में। जहाँ पर वीवो आपको इस प्राइस में 15W का चार्जर दे रहा है, वहीं पर ओप्पो A59 आपको 33W की चार्जिंग प्रोवाइड करता है। सो वहाँ पर आपको चार्जिंग उसकी डबल देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं बात करूं ओप्पो के 6GB 128GB की, तो वो आपको मिलता है 17,000 में, जबकि वीवो का 6GB 128GB आपको मिलेगा मात्र 15,500 में। और 17,000 अगर आप वीवो पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको 8128 मिल जाएगा, जबकि ओप्पो में आपको 17,000 इन्वेस्ट करने पर 6128 ही मिलेगा। अब दिक्कत यहाँ पर किस चीज़ को लेकर आती है? कैमरा आपको वीवो में थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा, बट चार्जिंग स्पीड यहाँ पर आपको ओप्पो में ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज प्रोसेसर यहाँ पर दोनों का सेम है, दोनों की ही डिस्प्ले यहाँ पर आपको HD+ वाली देखने को मिलेगी। दोनों में ही यहाँ पर जो है आपको इसके 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, बट ब्राइटनेस के मामले में आई थिंक वीवो यहाँ पर फिर से नंबर ले गया। और डिज़ाइन की भी बात करूँ तो यस, मुझे वीवो का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा पसंद आया। अब कन्फ्यूजन पता है कहाँ पर होती? अगर दोनों का प्राइस सिमिलर होता और एक फंक्शन वीवो के पास बढ़िया होता, एक फंक्शन ओप्पो के पास, बट यहाँ पर प्राइसिंग के मामले में भी वीवो 1,000 रुपया उससे आपको कम ही चार्ज कर रहा है। सो उस अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो आप इसे रेकमेंड कर भी सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं पूछूं तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ पर रेडमी या रियलमी किसी की भी तरफ जा सकते हो। रेडमी की और रियलमी की जैसे मैंने अलग से वीडियो बनाई भी थी, जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना, वहाँ पर भी आप अपनी राय दे सकते हो। और इस फ़ोन के बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर से कमेंट में देकर जाना। मेरी लास्ट वीडियो जो थी वीवो X100 वाली, अगर वो नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, जल्दी जाओ देखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, जल्दी से जाके वो वीडियो भी वॉच कर लेना। और अगर इस फ़ोन की आपको एक हैंड्स ऑन वीडियो चाहिए हो तो भी ज़रूर से कमेंट कर देना। वैसे मेरा कोई मूड था नहीं इस पर यार हैंड्स ऑन वीडियो करने का, बिकॉज यार कुछ डिफरेंट है नहीं, बट अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो बता देना, फ़ोन जुगाड़ करके आप लोगों के लिए हैंड्स ऑन वीडियो भी बना देंगे। तब तक के लिए यही वीडियो को बार बार रिपीट पर देखते रहो स्टार्टिंग से एंड तक, एंड यहाँ तक आ ही गए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।